योद्धाओं, कल आप लोगों ने दर्शन में पढ़ा होगा हीगल तक, तो आज फिर हीगल तक ही पढ़ो। बर्कले, ह्यूम, कांट और हीगल, ये सब पढ़ो। उसके बाद जो भारतीय दर्शन है उसमें स्टार्टिंग पॉइंट से जाना, दर्शन के स्वरूप से लेके सुखवाद तक, जिसमें चार्वाक दर्शन, ज्ञान मीमांसा, तत्व मीमांसा, सुख मीमांसा है। दर्शन के स्वरूप, धर्म एवं संस्कृति से उसका संबंध, स्टार्टिंग पॉइंट से चार्वाक दर्शन तक पूरा पढ़ने की कोशिश करना, और जो कल आप लोगों ने वेस्टर्न फिलोसॉफी पढ़ा होगा उसको भी आज कंटिन्यू करना। मैं आपको बोलता हूँ, लेकिन आज मैंने खुद कंटिन्यू अपने हिसाब अपने मैं सोचा बोलता हूँ, एक बार करके देखता हूँ। तो सुबह मैंने 6 बजे उठा, 6 बजे उठने के बाद जो मैंने आपको वेस्टर्न फिलोसॉफी दिया था वो पढ़ा, और साथ में मैंने केमिस्ट्री का यूनिट 1 स्टार्ट किया आज, तो केमिस्ट्री का यूनिट 1 भी ख़त्म किया और लॉक की जो वेस्टर्न फिलोसॉफी थी वो भी ख़त्म किया। तो सुबह ख़त्म दोनों को साथ में मैंने रखा था, एक हाथ में आपका दर्शन वाला नोट्स, उसके नीचे में साइंस वाला नोट्स। जैसे ही एक बार उसको पढ़ लेता था तुरंत उसको नीचे करके साइंस का एक बार रीडिंग कर लिया, एक यूनिट जैसे उसको रीडिंग किया तुरंत फिर वेस्टर्न को लेके आया, एक बार रीडिंग किया फिर तुरंत फिर साइंस का एक यूनिट, उसी को ही एक बार और रीडिंग कर लिया। इस तरीके से मैंने किया और ये बहुत अच्छा था, तो मैं बोलूँगा आप भी ये करो। इसके अलावा मैथ्स का बहुत लोग अगर छूटे होंगे, कल मैंने 3 टॉपिक और नाव और रेलगाड़ी और पाइप ऑन सिस्टम, ये सारे टॉपिक के भी लेक्चर प्रोवाइड कर दिया है कल, तो वो भी आप देखो, उसके भी प्रैक्टिस करो, उसके नोट्स बना लो, फिर वही आपको काम आएगा। तो मैं आज के लिए आपको मिलता है दर्शन का जो ये टॉपिक है, फास्ट रीडिंग करके एक बार छुप कर लेना, मैथ्स की सारी चीज़ों को कर लेना, और उसके अलावा जो हम लोगों ने पेपर 7 पार्ट 2 का सेकेंड PDF है, जिसके मैंने टॉपिक जहाँ तक हम लोग का WTO WHO ये सारी चीज़ें उसमें हैं, तो वो सारी IMF वर्ल्ड बैंक सारे चीज़ों को आज फिर से आप रिवाइज करो, तो ये भी आपका रिवीजन का पार्ट होगा। तो जिनके पास पेपर 7 का बुक नहीं होगा, पिकासो पब्लिकेशन पेपर 7 के लिए तीनों पार्ट के लिए बुक खरीद लेना, और 18 तारीख के बाद डेडिकेटेड फिर से मतलब उसको रिनोवेट करके शुरू करेंगे। तो उसके बाद हिंदी में आप मुहावरा कर रहे थे हम लोग, तो पहला लिखना, न उधव का लेना न मधव का लेना देना, न नौ मन तेल होगा न नौ मन तेल होगा न राधा नाचेगी, नीम हकीम खतरा ए जान नेकी और पूछ पूछ, न सांप मरे न लाठी टूटे, पहले तोलो फिर बोलो, फुई फुई करके तालाब भरना, पाप का घड़ा भर कर डूबता है। तो ये आप कहावत में आज करना। इसके अलावा जो शब्दकोश है, तो हम लोग आज जानवरों को ही पढ़ लेते हैं। सबसे पहले बताना कि खरगोश को क्या बोलते हैं, चीता को क्या बोलते हैं, गिलहरी को क्या बोलते हैं, सियार को क्या बोलते हैं, भेड़िया को क्या बोलते हैं, उल्लू को क्या बोलते हैं, चमगादड़ को क्या बोलते हैं, गौरैया को क्या बोलते हैं, नीलकंठ को क्या बोलते हैं, कबूतर को क्या बोलते हैं, कछुआ को क्या बोलते हैं, गिरगिट को क्या बोलते हैं, मच्छर को क्या बोलते हैं, केचुआ को क्या बोलते हैं, खटमल को क्या बोलते हैं, ये बताओ कि छत्तीसगढ़ी शब्दकोश में इन सबको जानवरों को बताओ कि इसमें क्या होता है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ी जो साहित्यकार हैं उसमें बृजलाल शुक्ल, भगत सिंह सोनी, भालचंद्र राव तैलंग, तैलंग में 3 याद रखना, तैलंग मतलब 3, तो इसमें 3 भाषाओं का वर्णन होगा, छत्तीसगढ़ी, हलबी और भत्री, 3 भाषा हो गए। भालचंद्र राव तैलंग छत्तीसगढ़ी हलबी भत्री बोलियों का भाषा वैज्ञानिक अध्ययन, मन्नूलाल यदु, ये मन्नूलाल यदु वही हैं जिनके आधार पर रामवन गमन पथ लाया गया था। उसके बाद महावीर अग्रवाल, तो इनका साहित्यकार को याद करने की कोशिश करना। ये करने के बाद जो हिंदी में है आप समास आज पढ़ो, कल संधि पढ़ा था आज समास पढ़ो और समास को ख़त्म करने का प्रयास करो। ये रहेगा हमारा आज का टारगेट, आज का दिन का रूटीन इसी तरीके से फॉलो करना, मोबाइल को चुपचाप किनारे रख देना और बिल्कुल मैं तो बोलूँगा बंद ही कर दो, और इस वीडियो को देखने बाद मोबाइल बंद कर दो, किनारे लग जाओ अब अपने टारगेट को फिक्स करने के लिए, और इस तरीके से हम लोग अपना टारगेट पाएंगे। कुछ लोग बोल रहे हैं कि 1 महीने की स्ट्रेटेजी हमारी आगे की क्या होगी, इसके राह पे आप गाइड करो, तो आज शाम तक एक वीडियो आएगा जिसमें मैं 1 महीने की स्ट्रेटेजी बताऊँगा कि आपको अब क्या करना है। तो आज इसके साथ ही मैं उसमें वो भी बताऊँगा कि एग्ज़ाम के दिन 4 दिन आपको क्या करना है, एग्ज़ाम के 1 हफ्ता पहले आपको क्या करना है, और ये सारी चीज़ें आज हम लोग शाम को डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, कल मिलेंगे एक नए टारगेट के साथ। थैंक यू।